विधानसभा चुनाव की सफलता को आगामी लोकसभा चुनाव में दोहराने के लिए भाजपा ने बूथ मैनेजमेंट की अपनी खास रणनीति को फिर धार देना शुरू किया है। बूथ जीता चुनाव जीता के नारे के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी भाजपा अब मिशन 2024 के लिए इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। संगठन की निचली इकाई तक पकड़ मजबूत बनाने के लिए भाजपा ने बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत बूथों की समीक्षा शुरू की है। अभियान में उन बूथों को चिन्हित किया गया है जिन पर विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा था। ऐसे कमजोर बूथों को चिन्हित कर वहां पार्टी के कमजोर रहने के कारणों की समीक्षा करते हुए बूथ की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के मुताबिक रणनीति बनाकर पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर दौरे के दौरान शहर विधानसभा क्षेत्र में राप्तीनगर मंडल के 5 बूथों की समीक्षा करेंगे। महानगर में पासपोर्ट कार्यालय के पास एम्बियंस बैंक्वेट हॉल में अपहन 3 बजे आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री राप्तीनगर मंडल के बूथ संख्या 137, 138, 139, 140, 141 के अध्यक्ष व बूथ समिति के पदाधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री इन बूथों पर पार्टी के कमजोर रहने के कारणों की समीक्षा करने के साथ इन्हें जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे।